आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। गोरा बाजार थाना क्षेत्र कजरवारा में रहने वाले किशोर का शव SDRF की टीम ने बरामद किया है। जहां आपको बता दें कि 3 दिन पहले अपने दोस्तों के साथ 11 वर्षीय किशोर नदी में नहाने गया था, जहां नहाते वक्त प्रवेश तोड़कर तेज बहाव में बह गया। वहीं उसके दोनों साथियों ने अपने साथी को डूबते हुए देख वो मौके से भाग गए और इस घटना की जानकारी किसी को नहीं दी। जहाँ प्रवेश जब घर पर नहीं लौटा तो दूसरे दिन परिजनों ने उसके दोस्तों से जब पूछताछ की तो उन्होंने घटना की जानकारी दी, जहाँ परिजनों ने तत्काल इसकी सूचना थाने में दी। वही सूचना पर गोरा बाजार पुलिस और SDRF द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाया गया, जहां 3 दिन बाद आज सुबह किशोर का शव नदी में SDRF रेस्क्यू दल को बरामद हुआ। वही पुलिस के द्वारा पंचनामा कार्रवाई करते हुए शव को PM के लिए भेजा गया, जहां किशोर का शव मिलने पर परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। वही मामले में बरगी CSP प्रियंका शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि प्राथमिक तौर पर पूरी घटना दुर्घटना के तहत होना प्रतीत हुआ है। पुलिस पूरे मामले के अन्य पहलुओं की विवेचना कर रही है। परिजनों के बयान के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पूरे मामले के अन्य तथ्यों का खुलासा हो सकेगा। ये दिनांक 26 सितंबर को देर रात में थाना गोरा बाजार में अमरदीप सोनकर, जो कि कजरवारा गोरा बाजार के निवासी हैं, उनके द्वारा सूचना दी गई कि उनका 10 वर्षीय बेटा प्रवेश सोनकर दोपहर से गायब था। तो इस पर जब गोरा बाजार पुलिस के द्वारा बस्ती में पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि वह 3 अपने अन्य दोस्तों के साथ कटिया घाट पर नहाने गया था। तो जब उन बच्चों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि वो लोग कटिया घाट गए थे नहाने के लिए और प्रवेश सोनकर जो है पानी का बहाव तेज होने के कारण वहां से बह गया था। तो इस सूचना पर कल निरंतर जो है SDRF की टीम के द्वारा प्रयास किया गया, लेकिन बॉडी जो है आज सुबह SDRF की टीम ने बरामद की है। तो मृत अवस्था में जो प्रवेश सोनकर की बॉडी आज सुबह बरामद हुई थी, जिसको PM के लिए रवाना कर दिया गया है। और अभी तक प्रथम दृष्टया जो है ये दुर्घटनावश डूबकर मृत्यु होने का प्रतीत होता है, लेकिन अग्रिम कार्यवाही जो है PM रिपोर्ट आ जाने के बाद और परिजनों के विस्तृत कथन लेख होने के बाद की जाएगी इसमें।